हे हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिंसेस ऑफ ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, आज हम क्रिएट करेंगे बहुत ही सिंपल, इजी एंड ब्यूटीफुल फेस्टिवल लुक, वो भी बहुत ही कम समय में और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कोई भी फाउंडेशन या कंसीलर का यूज़ नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वाइट टोन क्रीम। ये फेस पे बहुत ही अच्छा कवरेज देती है और ये क्रीम आपको आसानी से किसी भी शॉप पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपना फेस अच्छे से वॉश करना है, देन आपको अप्लाई करना है प्राइमर। जी हाँ, किसी भी मेकअप में आपको प्राइमर अप्लाई करना नहीं भूलना है और आपको ज़्यादातर प्राइमर यूज़ करना है आपके चीक्स बोन और नोज़ एरिया के आसपास, जहाँ पे हमारे ओपन पोर्स ज़्यादातर होते हैं। अब हम अप्लाई करेंगे वाइट टोन क्रीम। तो इस क्रीम को सबसे पहले हम अच्छी तरह से फेस पर लगा लेते हैं। अंडर आइज़ के नीचे भी आपको लगाना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए, हम इस क्रीम को अच्छी तरह से यहाँ पर अपने हाथों से ही ब्लेंड कर लेते हैं। ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है फेस के ऊपर। देन हम इसको यूज़ करेंगे नेक के ऊपर भी, ताकि हमारा फेस और नेक जो है डिफरेंट ना लगे। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा ग्लो आया है फेस के ऊपर क्रीम अप्लाई करते ही। उसके बाद हम यूज़ करेंगे वाइट टोन पाउडर। ये भी आपको बहुत आसानी से शॉप पर मिल जाएगा। अब हम चलते हैं आई मेकअप की ओर। तो आई मेकअप के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पर नहीं यूज़ करने हैं। हमें लेनी है हमारे रेगुलर वाली पिंकिश लिपस्टिक और हमें उसको अपने हाथों पर लेकर इस तरह से अपने आईलिड पर ब्लेंड कर देना है सॉफ्टली, जो कि आपको बहुत ही नेचुरल कवरेज देगा आपके लुक के ऊपर। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल और नेचुरल लुक आया है हमारे आईज़ का। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर। आईलाइनर भी यहाँ हम सिंपल तरीके से लगाएंगे। विंग्स वाला आईलाइनर हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो लुक है ये बहुत ही सिंपल लुक हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने अपने दोनों आईज़ पर आईलाइनर अप्लाई कर दिया है और आप देख सकते हो कि आईज़ के ऊपर बहुत ही नेचुरल और ब्यूटीफुल लुक आया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं काजल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आई मेकअप में। काजल यूज़ करने के बाद ही यहाँ पर हमारा आई मेकअप जो है कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट मैं अप्लाई करने वाली हूँ लिपस्टिक। न्यूड कलर की कोई भी लिपस्टिक जो आप रेगुलर यूज़ करते हो, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अब बारी आती है ब्लशिंग की। तो जिस लिपस्टिक का यूज़ आपने आई शेडो के लिए किया था, वही लिपस्टिक आपको एज अ ब्लश अपने गालों पर यूज़ करनी है। जैसे कि आपको थोड़ी सी लिपस्टिक आपके फिंगर्स पर लेनी है, आपके चीक्स के ऊपर अप्लाई करके उसे ब्लेंडर से हल्के हाथों से ब्लेंड कर देना है बहुत ही सॉफ्टली। और यकीन मानिए, आपकी लिपस्टिक ही आपको ब्लशिंग का नेचुरल लुक देने के लिए काफ़ी होगी। तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है हमारा इजी एंड ब्यूटीफुल मेकअप बहुत ही कम समय में। चलिए जी, आप सिंपल सी हेयर स्टाइल कर लेती हूँ। उसके बाद आती है बारी ज्वेलरी की। तो मैं यहाँ पर पहन रही हूँ प्यारे से झुमके, और क्योंकि इंडियन फेस्टिवल लुक है तो ये लुक विदाउट बिंदी के कम्प्लीट ही नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर यूज़ की है एक प्यारी सी बिंदी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये ब्यूटीफुल सा लुक, जो कि बहुत ही कम समय में आप आसानी से बिना किसी झंझट के घर पे क्रिएट कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो किस लुक पर देखना चाहोगे या किस टॉपिक पर मैं आपके लिए नई वीडियो बनाऊँ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।